Hello everyone, I am Vinendra Surve. Today we are going to discuss about how to convert PV diagram into TS diagram. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाए सर, तो इसीलिए हमने आज का टॉपिक रखा है हमारा कन्वर्जन ऑफ पीवी डायग्राम टू टीएस डायग्राम। हम वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लेंगे, उसके पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ग्रुप की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां पे जाकर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ सकते हो। हमारे वहां पे आप बहुत सारे आपके डिफिकल्टीज और डाउट भी पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? We all know isothermal process, that is nothing but your temperature remains constant. Okay? So अगर मैं isothermal process on PV diagram show करना चाहूँ तो कैसे आएगा? ये बना हमारा PV diagram. Okay? So if this is 1 to 2, then here it is PV is equal to constant. Okay? So PV is equal to constant, हमें पता है ये हमारा isothermal process के लिए बनता है। तो अभी हम हमें ये PV diagram को क्या करना है, convert करना है TS diagram में। तो कैसे convert करेंगे, तो देखते ये बना हमारा TS diagram। Okay, so क्या होता है isothermal process में, यहाँ पे देखो कि volume हमारा compress कर रहे हैं हम लोग, V1 और V2 वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन में हो रहा है। तो क्या बोला जा सकता है यहाँ पे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे में हमें पता चल रहा है कि आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो प्रोसेस ऐसा हो सकता है, हम प्रोसेस को ऐसे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम प्रोसेस को ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि प्रोसेस 1 से लेकर 2 ऐसा होगा कि यहाँ से 1 2 होगा, ये हमें पता नहीं है। यहाँ पे जाकर हम रुक जाते हैं, हमें पता नहीं है कि यहाँ से 1 टू 2 ऐसा होगा, ओके, या फिर 2 टू 1। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास अभी क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये जो कर्व आता है ये हाइपरबोलिक कर्व है, इसे इस कर्व को हम हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं। और हमें पता है एंट्रोपी इस क्यू बाई टी रहेगा हमारा। तो हीट के बारे में अब हम जानना चाहेंगे कि एंट्रोपी आपका इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन एंट्रोपी के बारे में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो देखो जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे हीट हम बोल सकते हैं कि हीट है वो हमारा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि एक सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हो रहा है उस सिस्टम में हमारा क्या है कि सिर्फ हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम को हम कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये दोनों चीजें कैसे बराबर होगी, वॉल्यूम भी कम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, ये कब पॉसिबल है? जब सिस्टम से आप हीट निकालोगे, जब सिस्टम से हीट रिलीज हो जाएगी तब हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा और हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो डिक्रीजिंग हीट, हीट रिलीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर हीट डिक्रीज किया तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। तो आसान है, एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो प्रोसेस 1 से लेकर 2 यहां से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये बना आपका पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम। और एक चीज इसमें पूछा जाता है, हाइपरबोलिक प्लॉट रहता है, इसको इस प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक प्लॉट, ओके। और इसका स्लोप पूछा जाए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या स्लोप रहता है, पीवी डायग्राम का स्लोप क्या रहता है, तो आपको ये निकालना आना जरूरी है। तो आइडियल गैस का एक्सप्रेशन हमें पता है पीवी इज इक्वल टू
एमआरटी से। ओके तो आप कैसे फाइंड करोगे, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू यहाँ पे आरटी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी डीवी प्लस वी डीपी, अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो आर डीटी ओनली डीटी आएगा। ओके जस्ट टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस, पीवी इज इक्वल टू आरटी, पी डीवी यूवी रूल अप्लाई होगा प्लस वी डीपी, और इसका कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है वो हमें पता है कि जीरो आएगा। तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं कर रहे हम लोग, ये चीजें हमें पता थी। तो क्या पूछा है हमें, डीपी बाय डीवी हमें चाहिए तो क्या आएगा, माइनस पी बाई वी आएगा, दैट इज ओके। ये पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, पूछ सकते हैं डीपी बाय डीवी स्लोप रहेगा तो माइनस पी बाई वी रहेगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की डे स्लोप है। सेम काइंड ऑफ अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज स्लोप इन एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस हमें पता है, एडियाबेटिक प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट, एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी रेस्टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसके लिए अगर स्लोप पूछा जाए, डीपी बाई डीवी का स्लोप अगर पूछा जाए तो हमें स्लोप मिलेगा डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू, ये माइनस ही रहेगा, माइनस गामा टाइम्स पी बाई बी आएगा। ओके तो ये आपको याद रखना है, ये नेक्स्ट प्रोसेस में दिखाई देगा आपको। ये एडिशनल चीजें मैं बता रहा हूँ, हमारा टास्क तो है कि हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट पीवी इनटू टीएस, बट ये जो स्मॉल स्मॉल चीजें मैं बता रहा हूँ ये एडिशनल चीजें आपको ध्यान में रखना है। इन चीजों का स्लोप ऑफ डीपी बाई डीवी ऑलवेज नेगेटिव, और एडियाबेटिक का स्लोप इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन योर आइसोथर्मल स्लोप। व्हाट इज स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ डीपी बाई डीवी इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके और जो भी एडियाबेटिक का स्लोप रहता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप रहता है वो वर्टिकल रहता है एज कंपेयर टू यूर आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप। ओके तो इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड प्रोसेस एडियाबेटिक के लिए देखेंगे, लेट्स सी। सो नाउ सेकेंड प्रोसेस इज यूर एडियाबेटिक प्रोसेस। सो व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इज नथिंग बट हीट इंट्रैक्शन इज नॉट देयर, सो क्यू इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन हीट डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, हीट एंटर भी नहीं कर सकता और बाहर भी नहीं जा सकता, तो हमेशा याद रखना है हमारा हीट इंट्रैक्शन इज नॉट देयर, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें टी एस डायग्राम निकलना है। सो क्या हो रहा है पीवी डायग्राम में, देखो हम वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है मतलब आपका एनर्जी बढ़ रहा है। ओके एनर्जी बढ़ रहा है, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, बट ये पॉसिबल कब होगा, हीट इंट्रैक्शन भी नहीं है, तो हमने वहां पे लिख दिया कि यूर क्यू इज इक्वल टू जीरो। अभी आपको समझ में एक बात लेनी है कि दैट इज अ सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन कब दिखाई देती है आपको, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जब रहता है तब सॉलिड लाइन रहती है। ओके ये लाइन अगर डॉटेड लाइन रहता, ओके ये जो लाइन है अगर ये ऐसा डिनोट रहता डॉटेड लाइन, ओके एक तो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन वन टू टू, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके सो व्हाट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज योर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे योर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। समझ लो चीजें आसान है, जब आपका पीवी डायग्राम में सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट होगा तब पहचानना है आपको ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दैट इज नथिंग बट योर एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट। तो यहां से एक चीज हमें पता लग रही है कि एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हम प्रोसेस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन सॉरी इट विल बी अ लाइक इन्क्लाइन,
इंटरफेरेंस कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि प्रोसेस 1 टू 2 कैसे आएगी, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो ये फाइंड करना है हमें। तो ये फाइंड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कि हीट इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है डेल्टा क्यू, और एक बार डॉटेड लाइन रहता है, ये डॉटेड लाइन से डिनोट रहती प्रोसेस 1 टू 2, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये डॉटेड लाइन से, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ये भी एडिशनल चीजें मैंने बताई आपको। ओके, तो ये प्रोसेस कैसे डिनोट होगी, 1 to 2 कैसे आएगी, ऊपर से नीचे आएगा क्या नीचे से ऊपर जाएगा। तो देखो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका 1 है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है, जब आप कंप्रेस करोगे तो आपका एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी जब बढ़ रहा है तब हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्यों बढ़ेगा, जब आप हीट टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब आपका एनर्जी आपका बढ़ेगा। सिस्टम के अंदर हीट इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अंदर हीट आ भी नहीं रही और बाहर भी नहीं जा रहा है, लेकिन सिस्टम में वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम को आप कंप्रेस कर रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का जो बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी क्यों बढ़ेगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तभी आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अदरवाइज आपका टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ पाएगा। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है मतलब आपका प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ में आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, बट हीट इंट्रैक्शन आपका जीरो है। ओके, जब हीट इंट्रैक्शन जीरो रहेगा तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये दोनों चीजें बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब आपका प्रोसेस कैसे आएगा, ये तो प्रोसेस आपको टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब ये आपका फर्स्ट टू सेकेंड, ये प्रोसेस हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। सो समझ में आया कि क्या किया हमने, यहाँ पे सॉलिड लाइन से तो आइसेंट्रोपिक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो वर्टिकल लाइन आया, वर्टिकल लाइन आने के बाद हमें डिसाइड करना था कि इसमें सिस्टम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी कैसे बढ़ेगी, हीट इंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो एनर्जी बढ़ रहा है मतलब आपका प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हम लोग प्रेशर भी बढ़ रहा है साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का हमने कर लिया। इसके बाद थर्ड प्रोसेस हम जाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बैरिक मतलब प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, तो थर्ड प्रोसेस देखेंगे। सो लेट्स टेक थर्ड वन आइसोबैरिक प्रोसेस, सो दैट इज नथिंग बट प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया पीवी डायग्राम, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रोसेस 1 से लेके 2 हो रही है, और इसके बाद हमें टीएस डायग्राम प्लॉट करना है। तो टीएस डायग्राम प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 2 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने पिस्टन सिलेंडर का एक एग्जांपल लिया है, पहले से ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड, तो पहला इनिशियल वॉल्यूम ये था, अभी अपवर्ड मूव किया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, या फिर डिनोट किया मैंने वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, लेकिन प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। दोनों चीजों बैलेंस कैसे करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट भी रखना है और वॉल्यूम को हमें इंक्रीज भी करना है, तो दोनों चीजें बैलेंस तब होगी जब हम सिस्टम के अंदर हीट एडेड करेंगे, सम काइंड ऑफ हीट इज गोइंग टू बी एडेड इन टू दैट सिस्टम। सो यहाँ पे देखो कि हम क्या कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ हीट इज एडेड, हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तब जाके ये पॉसिबल होगा कि आपका प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा और आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर आपने हीट सिस्टम को दे रहे हो, हमें एक्सप्रेशन पता है dQ is equal to T into dS, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है dQ by T, चेंज इन एंट्रोपी is equal to डेल्टा Q by T, वही एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। अगर आप हीट को सिस्टम में दे रहे हो, अगर हीट बढ़ रही है तो बट ऑब्वियस आपका एंट्रोपी भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखो अगर आप हीट सप्लाइड कर रहे हो सिस्टम में, यहाँ से हम हीट एड कर रहे हैं dQ, तो आपका एंट्रोपी भी बढ़ेगा। ओके, तो ये चीजें हमें समझ में आ रही है कि हमारा एंट्रोपी बढ़ेगा, और एक चीज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एंट्रोपी बढ़ेगा मतलब
प्रोसेस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एज टेम्परेचर भी बढ़ेगा आपका एंट्रोपी भी बढ़ेगा, और एक बार ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही वे है कि हम वो डिफाइन करें, प्रोसेस वन से लेकर टू, ओके वन से लेकर टू यही है, लेकिन कर्व कौन सा आएगा ये हमें डिसाइड करना है। तो ये स्लोप हमें बताएगा कि कौन सा कर्व सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम TDS एक्सप्रेशन यूज करेंगे। TDS एक्सप्रेशन हमें पता है TDS इज इक्वल टू कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा, DH, सेकंड एक्सप्रेशन DH माइनस VDP, ओके हाँ यही यूज होगा। TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP बिकॉज ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो ये तो जीरो बन गया। TDS इज इक्वल टू डेल्टा H, सो एंथैल्पी mCp dt, ओके यहां से हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। सो dt बाय ds अगर हम लिख सकते हैं, सो cp डेल्टा t, ओके dt बाय ds को कैसे लिखेंगे हम, dt बाय ds ही हमें चाहिए। dt बाय ds इज इक्वल टू t डिवाइड बाय cp, ये आया, ये एक्सप्रेशन आया आपका स्लोप का एक्सप्रेशन t बाय cp। ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, ये डिफरेंट आएगा, टी बाय सी वी आएगा, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपको स्लोप क्या मिला, टी बाय सी पी का स्लोप मिला। यस, तो एक चीज हमें यहाँ पे पता है कि ये जो स्लोप है उस स्लोप में हमें पता चल रहा है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हमारा एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीनों कर्व में से कौन सा कर्व करेक्ट है, ओके तो स्लोप हमेशा इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपका dt बाय ds का वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है, और इसके साथ हमें जो स्लोप मिल रहा है dt बाय ds, तो ये स्लोप भी आपका बढ़ेगा। तो तीनों में कौन सा सही है, सबसे पहले ये तो सही नहीं होगा, जैसे स्लोप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, इसमें इसमें भी डिक्रीज होगा। तो ये जो प्रोसेस है 1 to 2, आप स्लोप निकाल के देख सकते हो बड़े पॉइंट्स के ऊपर लेके, तो इस प्रोसेस में आपका जो सही कर्व है ये हो जाएगा, सही कर्व आपका ये जो बचा हुआ है लास्ट वाला, ये आपका सही कर्व हो गया प्रोसेस 1 से लेके 2 के, ओके। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि हीट को ऐड कर रहे हैं ताकि आपका प्रेशर बैलेंस रह सके, कांस्टेंट रह सके, और हमारे देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो इसमें ये चीज है कि हीट ऐड कर रहे हैं, तो हीट एडिशन की वजह से आपका चेंज इन एंट्रोपी भी बढ़ेगा एज, और अगर हीट ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगा, तो ये कर्व मिलेगा। जैसे कि ये कर्व हमें क्या बताता है कि dt बाय ds स्लोप कर्व है टी बाय सी पी से मिल रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा चेंज इन एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है। एक चीज इसमें हम ये भी निकाल के दे सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, हमारा आइडियल गैस एक्सप्रेशन रहता है, कि अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, कि ये तो ठीक है आपका हीट एडिशन की वजह से एंट्रोपी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या क्या टर्म है, कि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो अगर जब मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, डेफिनेटली मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, तो dt बाय ds t बाय cg, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका ये स्लोप भी आपका हर पॉइंट पे बढ़ ज्यादा ही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप है और यहाँ पे भी स्लोप है, तो स्लोप आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालो और यहाँ पे स्लोप देखो, तो दोनों स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, हर एक पॉइंट के ऊपर स्लोप आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो यही चीज है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, सो लेट्स डिस्कस आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक हमने देखा प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोकोरिक में क्या रहेगा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए वर्टिकल लाइन पीवी डायग्राम निकाल लिया हमने, या फिर देखो वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट तो टीएस डायग्राम कैसे आएगा। टीएस डायग्राम निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। या फिर मैंने एग्जांपल ले लिया है कि पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग। और सबसे पहले बात की एक पीवी इक्वल टू हम देखा था यही एमआरटी, यस यही एक्सप्रेशन हमने देखा था आइडियल गैस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एम कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से बात बन रही है कि प्रेशर जब आप बढ़ाओगे तब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके। तो या तो मैं लिख देता हूँ प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन उसी जगह पे है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट प्रेशर भी बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, जब आप सम काइंड ऑफ हीट इज एडेड इनटू दैट सिस्टम देन एंड देन ओनली दिस इज पॉसिबल। हीट हम क्या कर रहे हैं, हीट को हम ऐड कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं या फिर सिस्टम के अंदर हीट दे रहे हैं, तभी जाके आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात कि एंट्रोपी में क्या चेंजेस होंगे, तो तीनों का हमें ये ऐसे ही मिलेंगे जो लास्ट में मिले थे। तो देखना ये है कि अब एंट्रोपी में क्या वेरिएशन मिलेगा, एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी या डिक्रीज होगी वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम जैसे कि लास्ट एक्सप्रेशन हमने यूज किया था TdS इक्वल टू dH माइनस VdP, सेकेंड TdS एक्सप्रेशन था, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन था, और यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम। सो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट तो यहाँ पे PdV का वैल्यू तो जीरो बनेगा सीधा, बचेगा क्या TdS इज इक्वल टू डेल्यू, डेल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू CvdT, यस दैट इज CvdT। सो हमें क्या चाहिए, स्लोप कौन सा चाहिए, dT बाय dS का स्लोप चाहिए, सॉरी यस dT बाय dS इधर गया, तो हमें क्या मिलेगा T बाय CV मिलेगा। जो लास्ट एक्सप्रेशन में हमने यही स्लोप निकाला था dT बाय dS का, और वो क्या आया था हमारा T बाय CP आया था इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रेशर वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। तो देखो कि कैसे बात बनेगी, वन से लेके टू रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा कर्व आएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो ठीक है टेम्परेचर चीजें बढ़ रही है, लेकिन हमें एक चीज यहाँ से मिल रही है कि जब आपका स्लोप बढ़ रहा है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तब आपका स्लोप भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है इस एक्सप्रेशन से, TdS एक्सप्रेशन से, कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तब आपका स्लोप का एक्सप्रेशन भी बढ़ेगा, तब आपका स्लोप भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है स्लोप नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन स्लोप नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में स्लोप भी बढ़ रहा है, तो थर्ड एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट है कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आया होगा कि चारों प्रोसेस में आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दोनों कर्व ऐसे मिल रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, दोनों कर्व सेम है लेकिन उनके स्लोप अलग अलग है। आप निकाल के देख सकते हो टी बाय सी वी जो आइसोबैरिक प्रोसेस का था, और दूसरा था टी बाय सी सॉरी टी बाय सी पी आइसोबैरिक और ये आइसोकोरिक। अब पुट करो सीवी का वैल्यू जो भी रहेगा, सीपी का वैल्यू जो भी रहेगा, और यहाँ से आपको स्लोप डीटी बाय डीएस बोथ वैल्यूज मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ओके इन दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये जो कर्व है वो बाद में आप प्लॉट कर सकते हो। तो ओरिएंटेशन सेम रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस रह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही आएगा इंक्रीजिंग स्लोप, ओके। तो इसके बाद प्रोसेस है आपका
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करो, और साथ में चारों प्रोसेस में अगर इधर भी डाउट है, पीवी डायग्राम में, टीएस डायग्राम में, और उनके स्लोप निकालने में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में भी आप ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको डेली मास्टर्स मिलेंगे, डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं वहाँ पे। सो ज्वाइन अस, थैंक यू वेरी मच।